फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्रियंका चतुर्वेदी जी. Honorable Chairman, sir. Sir, this is with regards to the classical language status to Marathi. Many scholars, many historians, the state government of Maharashtra, many MPs across board coming from Maharashtra have made this request repeatedly. I had also put it on the table in the 253rd session. Every time the response is, it is under active consideration. My only question on this particular topic is, how long will this active consideration last? Thank you. Thank you. Deputy Chairman, sir, जैसा कि माननीय सांसद ने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये ठीक है कि मैटर अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है, लेकिन वर्तमान सरकार भारतीय भाषाओं और संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. आपने देखा होगा कि हमने अब तक जो है 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है. ये गृह मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन था 2004 का, उसके तहत एक नोटिफिकेशन 25/11/5 को निकला, जिसमें गृह मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय को ऑथराइज किया क्लासिकल लैंग्वेज के दर्जा देने के काम को. इसमें फिर हमने एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनाई. इस कमेटी के माध्यम से साहित्य अकादमी में मैटर गया. मैटर बहुत सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है. जल्दी ही निर्णय शीघ्र होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन चल रहा है, कंसल्टेशन चल रहा है. जैसे ही निर्णय आएगा हम आपके माध्यम से माननीय सदन को, संसद को अवगत करा देंगे. धन्यवाद. माननीय श्री विनय सहस्रबुद्धे जी. जी उपसभापति जी, मुझे ये पूछना है कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर के समन्वय के अभाव में क्या कुछ इस प्रस्ताव में खामियां रही है, ये जानकारी क्या सही है? डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सांसद ने प्रश्न किया है, जैसे मैंने कहा कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी इस काम को जांच रही है. निश्चित रूप से क्या होता है कि जब राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो फिर ये मैटर साहित्य अकादमी में गया, तो कुछ कमियां छोटी मोटी रहती भी है, वो दूर कर ली गई है. जैसे कितनी पुरानी लैंग्वेज है मराठी भाषा, क्या क्या साहित्य, 3री शताब्दी में क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी तक क्या लिखा गया, 12वीं शताब्दी के बाद क्या लिखा गया. मैं माननीय सांसद को बताना चाहता हूं कि मराठा भाषा, मराठा साहित्य, उस पे देश, मराठी भाषा और मराठा साहित्य पर देश गर्व करता है. देश गर्व. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.